मेरे जहन में ये चीज़ आती थी कि काश कभी कोई ऐसा मौका ऐसा टाइम बने तो मैं भी अपना कारोबार करूं। आपको मार्केट में आपके अच्छा पीआर होना चाहिए। जैसे जैसे हमने देखा कि अब हमारे मामला बेहतर हो गए तो फिर हमने अपना एक प्रॉपर चमक फूड के नाम से ब्रांड रजिस्टर करवाया। मुझे एक दिन की जो बचत है बाज़ औकात होती थी मिसाल तो 1500 रुपये बच रहा होता था और 300 रुपये मेरा मैं खुद रखता था और 1200 रुपये मैं अपनी गाड़ी वाले को देता था। और कोशिश करें कि वो चीज़ करें जो आपको बिल्कुल आसान लगती है, क्योंकि आप आसान चीज़ करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप हो जाएगा। पाकिस्तान में अगर आपने तरक्की करनी है तो उसके लिए दी बेस्ट ये है कि आप ईमानदार हों और आपकी चीज़ ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात पेश आते हैं और इंसान का अलमिया ये है कि वो शहर बदल लेता है, मुल्क बदल लेता है, मकान बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, लेकिन कभी ख़ुद को नहीं बदलता। इसलिए उसकी ज़िंदगी तब्दील नहीं होती और जैसे ही इंसान अपने आप को बदलना शुरू करता है उसकी ज़िंदगी तब्दील होने लग जाती है, बेहतर होने लग जाती है और वो इंसान ग्रो करना शुरू कर देता है। एक ऐसे ही इंटरव्यू के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। इन्होंने जॉब से अपनी ज़िंदगी और सफ़र का आगाज़ किया लेकिन उसके बाद इन्होंने ख़ुद को बदला। कासिम अली शाह साहब के एक मशवरे पे इन्होंने कारोबार का आगाज़ किया और उसमें इन्होंने ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन किया और उनको सेल किया। आज ये चमक फूड्स के नाम से अपना एक ब्रांड चला रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने इनको कामयाब किया और जो मज़ीद लोगों के अंदर कारोबार का हौसला पैदा करने के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कियानी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आप माशाल्लाह बहुत ही कामयाबी से अपना एक ब्रांड लेके चल रहे हैं चमक फूड्स के नाम से। मुझे ये बताइएगा कि आपने जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और एक बिज़नेस को स्टार्ट करने का ख्वाब कब देखा और फिर कैसे इसको परसू किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी और मैं यहाँ हाज़िर हुआ। इसके लिए मैं आपका और कासिम अली शाह फाउंडेशन का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये मेरी प्रोफेशनल जो दौर है मेरा वो 2005 में तकरीबन शुरू हुआ और 2005 से ऑनवर्ड जैसे ही ये मामला चलता रहा। तो मैं जब किसी बंदे को देखता था कि वो अल्लाह के रास्ते पे या आम पब्लिक की खिदमत करते हैं, उनके लिए आसानियाँ बांटते हैं, तो ये मेरे जहन में ये चीज़ आती थी कि काश कभी कोई ऐसा मौका ऐसा टाइम बने तो मैं भी अपना कारोबार करूँ और इसको किसी ऐसे लेवल पे लेके जाऊँ कि मैं भी दूसरे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। एक तो ये रीज़न ये थी। कुछ ये था कि मैं कुछ दो चार लोगों से, अपने दोस्त थे जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर था क्योंकि वो कारोबारी तौर पे बड़े कामयाब थे, इसलिए मैंने उनसे इंस्पायर होने की वजह से ये मैं एक अरसे से मैं सोच रहा था कि इंशाल्लाह जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपना कारोबार शुरू करूँगा। सर, इससे पहले आपने कहाँ और कितना अरसा जॉब की? मैंने 2005 में 5 से लेकर 2013 तक मैंने मुख्तलिफ कंपनियों में निजी काम करता रहा। उसमें ये है कि जो मेरा द बेस्ट एरिया था वो ये था कि मतलब मैं 2011 के करीब जब मैं मार्केटिंग में आया तो वो मेरी सबसे अच्छी जॉब थी, जो मुझे पसंद भी थी और मुझे लगा कि जैसे मैं जॉब कर ही नहीं रहा। मैं बड़ा अपने आप को इजी फील करता था जब भी वहाँ पे जॉब करता था और बड़े तरीके से काम करना और बड़े शौक़ से करना और टाइम ज़्यादा देता था अपनी जॉब को। 2012 और ये 11, 10 ऑनवर्ड ये 13 तक, तो उसके बाद मुझे 13 के बाद मैंने 2014 के स्टार्ट में मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया जी। सर, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने अपना बिज़नेस शुरू किया और चमक फूड्स के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया, बेसिकली ये फूड्स का बिज़नेस है, एक तो इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी आपकी है जिस पे आप काम कर रहे हैं, क्या क्या बेचते हैं? जी, इसके जो प्रोडक्ट है हमारे, इसमें अचार है, उसके 4-5 यूनिट हैं, उसके अलावा सिरका है, उसके अलावा सवैयाँ हैं, इसमें खीर मिक्स है, फिरनी है, मतलब डेजर्ट में 3-4 SKU हैं। उसके अलावा ये मसाला जात में प्लेन स्पाइसेस में अदरक लहसुन पाउडर होता है और कुछ मसाला जात हैं जो छोटे साशे में हम पैक करके बेचते हैं। तो सर, इसकी सेल किस तरह जा रही है, अच्छी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी बड़ी अच्छी सेल है, अभी हम तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन की मंथली सेल कर रहे हैं जी। सर, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने शुरू किया
शुरू के अयाम में क्या मुश्किलात आपको पेश आई एक जॉब से बिज़नेस की तरफ आना, और ये बड़ा यूनिक बिज़नेस है लेकिन आप इसकी तरफ आए और आपने अपना काम किया, यकीनन आप बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, लेकिन मुश्किलात क्या आई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कोई भी बंदा अपना टारगेट रखता है, एक मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने लाहौर से निकल के इस्लामाबाद की तरफ जाना है, तो उसके पास अगर कन्वेंस नहीं है, वो पैदल चलना शुरू कर देता है, तो चाहे वो 2 किलोमीटर चला या 3 किलोमीटर चला या 4 किलोमीटर चला, उसके बाद उसको गाड़ी मिल गई है या कोई बेहतर कन्वेंस मिल गई है तो वो जल्दी पहुँचेगा, निस्बतन उस शख्स के जिसने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाना है और उसने मूव किया हुआ है किसी दूसरी साइड पर, तो चाहे वो 1 किलोमीटर भी जाएगा तो वो अपने टारगेट से, अपने मकसद से दूर चला गया मज़ीद। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ये अल्लाह ताला का ख़ास कर्म है कि मुझे प्रॉपर कुदरत ने एक रास्ता दिया और मैं करता करता पहले मार्केटिंग में आ गया। मार्केटिंग में काम करते हुए चूँकि मेरा प्रॉपर पहले से वे बना हुआ था, तो चूँकि जो मार्केट में जो लोग काम करते हैं उसके लिए सबसे पहला जो काम है आपको मार्केट में आपके अच्छा PR होना चाहिए, आपके तल्लुकात बहुत दी बेस्ट होने चाहिए। तो वो चूँकि मैं ऑलरेडी एक कंपनी में काम करता था और वहाँ पे एज अ सेल ऑफिसर काम करता था, तो मेरे लोगों के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मैं एग्जिस्ट करता था अपनी सराउंडिंग के मार्केट में जहाँ पे मेरे अच्छे तल्लुकात थे, तो मैंने देखा कि यार मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो स्टार्ट में मैंने इसको ट्रेडिंग शुरू की, मतलब मुख्तलिफ़ ब्रांड्स का, जैसे नेशनल फूड है या ABCD जितने ब्रांड्स हैं उनका, मैंने उनके ब्रांड के हम सामान लेते थे, एक जगह पे स्टॉक करते थे, फिर आगे जाकर उसको सेल करते थे। होता ये था कि बाद में वो जैसे जैसे हमने देखा कि अब हमारे मामला बेहतर हो गए हैं, तो फिर हमने अपना एक प्रॉपर चमक फूड के नाम से ब्रांड रजिस्टर करवाया और उसके तहत कुछ आइटमें बना के हमने सेल करना शुरू कर दी। सर, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं और इसी तरह का कोई छोटा सेटअप लगाना चाहते हैं, वहाँ से आगाज़ करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे? जो छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, मैं ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जिस फील्ड में आप कोई भी काम छोटा या बड़ा करना चाहते हैं उसके बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज से मुराद ये नहीं है कि आप कोई किताबें पढ़ना शुरू कर दें, नॉलेज से मुराद है कि उस फील्ड में आप कम से कम 6 महीने आप टाइम गुजारें, आप उसको टाइम दें और किसी लो लेवल पर जाकर टाइम दें। मतलब मैं समझता हूँ कोई बंदा अगर किसी थकी सी और बिल्कुल ऐसी गाड़ी पर सफ़र करता है जिसमें कोई सहूलत नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस हो, तो वो बंदा जैसे ही वहाँ से उठेगा दूसरी गाड़ी पर जाकर बैठेगा, उसको अच्छा भी फील होगा और उसको कदर भी महसूस होगी कि यार मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ हूँ। तो ऐसे ही अगर आप छोटी सी किसी और कंपनी में काम करते हैं, किसी छोटे सेटअप पर काम करते हैं, वहाँ पर मसाइल ज़्यादा होते हैं और टेंशन ज़्यादा होती हैं, सैलरी थोड़ी होती है, इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो जब आप उनको मैनेज करते हैं और मुश्किल वक्त काटते हैं उससे आप सीखते बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही आप वो सीखेंगे तो उसके बाद आप 0 पॉइंट से कोशिश करें, शुरू करें, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मालिक मेहरबानी करेगा, ग्रोथ दे देगा उसमें। सर, आप आने वाले वक्त में अपने ब्रांड को किस तरह डेवलप करना चाहते हैं? जी, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारा बहुत जल्द ये हमारा टारगेट है कि आने वाले कुछ अरसे में इंशाल्लाह हम आउट ऑफ सिटी, फ़िलहाल हम लाहौर में चूँकि काम कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप देंगे, उससे हमारा ये टारगेट है कि आने वाले कम से कम 2 साल में हम जो है इसको ओवरऑल पाकिस्तान में इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन दें पूरे पाकिस्तान में। सर, मुझे ये बताइएगा कि आमतौर पर जब कोई बिज़नेस शुरू करता है तो उसे सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि शुरू के डेज़ में उसकी अर्निंग नहीं हो पाती और अक्सर शुरुआत में लॉस भी हो जाता है, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? जी बिल्कुल ऐसा हुआ जी। मैं ये 2014 में जब मैंने बिज़नेस अपना शुरू किया, तो चूँकि हमारा काम होता है इसमें हम पहले बुकिंग करते हैं दुकानों से, पहले आर्डर लेते हैं उसके बाद जाके सप्लाई देते हैं, मार्केटिंग में ऐसे होता है, तो मैं खुद चूँकि बुकिंग करता था, खुद सप्लाई करता था, तो अक्सर उस दौरान मेरे पास अपनी कन्वेंस नहीं होती थी, मतलब गाड़ी वगैरह या पिकअप जिस पे हम माल पहुँचाते, डिलीवरी देते, तो मैं अक्सर रेंट की जो कन्वेंस लेता था, मैंने अपने दोस्त अहबाब से जो दफ्तर में मुझे कुलीग मेरे साथ चलने वाले हैं उनको पता है कि मुझे एक दिन की जो बचत है बाज़ अवकात होती थी, मिसाल 1500 रुपये बच रहा होता था और 300 रुपये मेरा मैं खुद रखता था और 1200 रुपये मैं अपनी गाड़ी वाले को देता था, और मैं ये सोचता था कि यार अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में आज के दिन में 300 लिखा है, चाहे मैं कुछ भी हूँ और ये जो चाहे मेरा मुलाजम है इसके नसीब में अल्लाह ताला ने 1200 लिखा, उसको 1200 मिल गया, मुझे 300 मिल गया, और ये एक तकरीबन 6 से 8 माह ऐसे होता रहा कि मुझे 2400 या 500 बचता रहा और मेरे से ज़्यादा पैसे मेरी मैंने कन्वेंस के पे किए हैं। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को आप कैसे देखते हैं, उनकी फाउंडेशन को कैसे देखते हैं? जी, ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है जी, कासिम अली शाह साहब से मिलना, और कासिम अली शाह साहब मैं समझता हूँ कि दौरे हाजिर के अलामा इकबाल हैं, मैं ये मेरी ज़ाती राय है। तो
आज से तकरीबन 3.5 साल पहले शाह साहब से मेरी बाकायदा लाइव मुलाकात हुई। उससे पहले मैं तकरीबन 5 साल से शाह साहब को नेट पर सुन रहा हूँ। तो शाह साहब से जो मैंने सीखा उसमें मतलब टीम बिल्डिंग सीखी मैंने शाह साहब से। मैंने शाह साहब से ये सीखा कि आपके तल्लुकात कैसे बनते हैं बेहतरीन। मैंने शाह साहब से सीखा कि आप लोगों के साथ मिलजुल के कैसे तल्लुकात को बना सकते हैं। और शाह साहब से मैंने ये सीखा कि आप ना सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए कमाएँ और अपने लिए कमाते रहें, पे बैक करना भी सीखें। सही, पे बैक करना भी सीखे। और शाह साहब का इसमें मिसाली किरदार है। अगर किसी बंदे ने पे बैक का मामला देखना हो तो पाकिस्तान में कासिम अली शाह साहब, मैं समझता हूँ मेरे नज़रिए से वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। और शाह साहब का जो मिशन है अल्लाह ताला उसमें ढेरों बरकतें और इज्जतें और रहमतें अता फरमाएं। मैं ऑलरेडी पहले बिज़नेस करता था लेकिन वो ट्रेडिंग का बिज़नेस था, वो हमारा अपना ब्रांड नहीं होता था। तो मैं एक दिन शाह साहब की कमाल मेहरबानी, एक दफ़ा शाह साहब से मुलाकात हुई तो मैंने गुजारिश की कि हुजूर मैं इस तरह कुछ अपने ब्रांड अपने नाम से करना चाहता हूँ। तो शाह साहब ने कहा आप बिल्कुल करें और कोशिश करें कि वो चीज़ करें जो आपको बिल्कुल आसान लगती है। जब आप आसान चीज़ मैन्युफैक्चर कर लेंगे, प्रोडक्शन कर लेंगे, उसका तरीका ये होता है कि आप आसान चीज़ करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मुश्किल चीज़ें भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने शाह साहब से एक बड़ी मज़े की चीज़ ये भी पूछी इस टाइम ना। मैंने कहा शाह साहब आप यूरोप कंट्रीज़ के और बहुत से दूसरे कंट्रीज़ में जाके विज़िट करते रहते हैं, आप मुझे बताएं कि कुछ ऐसी आइटम जो आपने पहले पाकिस्तान की मार्केट में ना देखी हो और आउट ऑफ कंट्री देखी हो, कुछ इस बारे में मशवरा दें। तो शाह साहब ने कहा नहीं यार, ऐसी चीज़ तो शायद मेरी ऑब्जर्वेशन से नहीं गुजरी, लेकिन मैं एक मशवरा आपको ज़रूर देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने तरक्की करनी है तो उसके लिए दी बेस्ट ये है कि आप ईमानदार हों और आपकी चीज़ ठीक हो। आप ईमानदार हों और आपकी चीज़ ठीक हो तो यही ये जो चीज़ है इंशाल्लाह आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। तो ये सारा कुछ मैंने शाह साहब से मतलब मशवरा करके, शाह साहब की दुआ लेके बाद में ये काम अपना प्रॉपर ब्रांड बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हम इसमें बड़े कामयाब जा रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 25 के करीब लोगों की टीम है जी। सर आप अपने प्रोडक्ट्स में कोई मज़ीद इजाफा करना चाहते हैं? जी करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। उसमें हमारे कुछ मसाला जात की रेंज है वो हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बढ़ाएंगे और कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ कि पंसार की दुकानों पे मिलती हैं और उनकी हालत इतनी खस्ता होती है कि बंदा मजबूरी के तहत बंदे खाते ज़रूर हैं, लेते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी पैकिंग उनके मामला ठीक नहीं होते। तो हमारा ये मिशन है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम वो चीज़ें और कुछ मज़ीद इसमें ऐसे यूनिट्स ऐड किए जाएँ जो पहले खस्ता हाल है या लोगों को साफ़ सुथरी और अच्छी हालत में नहीं मिलते, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उनको अच्छे तरीके से तैयार करके और अपने नाम से आगे मार्केट में सेल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कियानी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके ब्रांड यानी चमक फूड्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। और अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो आपके लिए आसान है, जिसके बारे में आपके पास नॉलेज है, तो वो आपको कामयाबी की तरफ बआसानी लेके जा सकता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान अली रहमान खालिद, अल्लाह हाफ़िज़।